वेलकम बैक रजनी क्लासेस एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप. ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें समझना है कि व्हाट इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी वर्ड कॉइंड बाय इराटोस्थनीज इन 234 BC एंड इराटोस्थनीज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी. एंड ज्योग्राफी वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जियो एंड ग्राफोस. जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन. सो द स्टडी ऑफ अर्थ डिस्क्रिप्शन इज नोन एज ज्योग्राफी. एंड वी डिवाइडेड ज्योग्राफी इन टू ब्रॉड ब्रांचेस. फर्स्ट सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एंड सेकेंड रीजनल ज्योग्राफी. इसमें जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की तो हम इसमें सिर्फ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के भी तीन पार्ट होते हैं. फर्स्ट इसमें हमारा आता है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड थर्ड बायोज्योग्राफी. तो हमें क्या देखना है, ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एंड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इज अ ब्रॉड ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे क्या आते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, सोयल ज्योग्राफी, ये हमारे किस में आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में. ह्यूमन ज्योग्राफी में हम बात करते हैं कि ह्यूमन के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल, जो भी हम उसमें बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं ये हमारे. अब हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के मीनिंग की. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल फीचर्स एंड ह्यूमन एस्पेक्ट. कि जो हम रिलेशन देखते हैं फिजिकल फीचर्स, लाइक जो भी हमें फिजिकली दिखाई देते हैं चारों तरफ जो फैले हुए फिजिकल फीचर्स में हमारे आते हैं जो भी हमारे रिवर्स, लैंडफॉर्म्स हैं, लैंड मासेज हैं और जितने भी हमारे आते हैं वो फिजिकल फीचर्स में आते हैं. ह्यूमन एस्पेक्ट्स लाइक कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक, तो उनके बीच में जो कोरिलेशन होता है फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या मानते हैं हम, उसको ह्यूमन ज्योग्राफी मानते हैं. नेक्स्ट हम जब भी ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है फ्रिडरिच रेटजेल. ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी. कि फ्रिडरिच रेटजेल क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी उसके फादर हैं. और इनका एक वर्क है एंथ्रोपोजियोग्राफी. एंथ्रोपोजियोग्राफी एक बुक है जो किसने, जिसके ऑथर है रेटजेल. तो ये भी हम इसमें देखते हैं कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी. तो रेटजेल इज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द एंथ्रोपोजियोग्राफी. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी. द ऑथर ऑफ एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक इज रेटजेल. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के. अब हम ज्योग्राफी, इन नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फीचर्स एंड मैन मेड फीचर्स. और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग. तो इसमें हम देखते हैं कि फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स में हमारे क्या आते हैं लाइक सॉइल, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एटसेट्रा. एंड मैन मेड में हमारे आते हैं रेल नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन,
एटसेट्रा, कि जो भी मैन मेड फीचर्स लाइक विलेज, टाउन्स, कल्टिवेशन, फार्म्स की कल्टिवेशंस के मेथड्स, तो वो सभी क्या है, मैन मेड फीचर्स में आते हैं. कि जो रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फीचर्स और फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द मैन मेड फीचर्स और मैन मेड इन्वायरमेंट इज नोन एज नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. सो वी कैन से दैट इन नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मैन हैज़ मॉडिफाइड हिज फिजिकल इन्वायरमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड एट द सेम टाइम ही हैज़ मॉडिफाइड हिज लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स सेट बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट. कि हम इसमें देखते हैं कि उसने क्या टू थिंग्स पे एम्फेसाइज किया गया इस पॉइंट में हमारे, कि फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसमें उसने क्या किया है, मॉडिफाई किया. मॉडिफाई कैसे, कि जो भी लैंड फॉर्म्स थे, लाइक कोई भी हम देखते हैं कि माउंटेन रीजन्स थी, उनके ऊपर अभी देख रहे हैं हम कि बहुत सारे जो नेटवर्क्स अवेलेबल हो गए हैं, वहाँ पे होटल्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो बना दिए गए हैं. तो ये सब कुछ किस में आता है, कि फिजिकल एनवायरनमेंट को जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने मॉडिफाई किया है, और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने जो लाइफ स्टाइल था ह्यूमन बींग्स का उसको भी मॉडिफाई किया है. किस में, एक लिमिट में, कि फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके लिमिट्स में रहते हुए उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को भी मॉडिफाई किया है. ये आता है हमारे नेचर एंड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप ऑफ ज्योग्राफी. The scope, in scope of human geography, we says that the scope of human geography is very wide and includes world population, human activities, and human settlement. Which they lives. कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप में हम क्या क्या देखते हैं, वर्ल्ड की जो भी पॉपुलेशन एरियाज हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, पर जो भी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है और जो ह्यूमन एक्टिविटी करता है वो सभी किस में आती है, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में. एंड ह्यूमन सेटलमेंट, कि इसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट्स की जिसमें वो रहता है और जो सेटलमेंट्स के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और मेथड्स को अप्लाई कर रहा है, वो सभी हम स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इन दिस एंड द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. इन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वी कैन सेज दैट द वैल्यू ऑफ नेचर इज हाई देन द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग एंड नेचर कंट्रोल ह्यूमन बींग एंड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज. एंड वी कैन अंडरस्टैंड this topic with the help of some points. And the first point is human activities influenced by nature. जो naturalization of human in this state, all human activities influenced होती हैं, यानी प्रभावित होती हैं किससे, nature से. And the second point is man was controlled by nature. कि human being और man कोई भी work, अपना जो work है वो nature से बाहर नहीं करता, कि कोई भी वो work ऐसा नहीं करता कि जो nature के लिए harmful हो. सब कुछ क्या करता है, वो nature के control में रह के करता है. और जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ वो नेचर पर डिपेंडेंट हैं, और जो कंट्रोल कर रही है नेचर उस पर ह्यूमन बींग पे पूरा कंट्रोल करती हैं, वो किस टाइम पीरियड में हो रहा है, इन द प्रिमिटिव सोसाइटीज़. प्रिमिटिव सोसाइटीज़ यानी कि अर्ली जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या करें, नेचर को ही, नेचर पर डिपेंडेंट हैं, ऑल वर्क्स नेचर के कंट्रोल में रह के करते हैं. तो किस में, प्रिमिटिव सोसाइटीज, इसका थर्ड पॉइंट हो सकता है. जब प्रिमिटिव सोसाइटीज इसको करें, नेचर पर कंप्लीटली डिपेंड हैं, तो जो हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो होगा लो टेक्निकल डेवलपमेंट. कि जो
टेक्निकल डेवलपमेंट है वो लो लेवल का, कोई टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं करे, वो ऑल वर्क्स या ऑल जो एक्टिविटीज़ के लिए डिपेंड करते हैं नेचर पर ही. एंड मैन लिसन नेचर कि ह्यूमन बींग क्या कर रहा है, नेचर को लिसन करता है, सुनता है. क्यों? क्योंकि वो पहले बताया हमने कि वो नेचर पर ही डिपेंडेंट है, कोई भी टेक्नोलॉजी को अवेलेबल नहीं कर रहा, ऑल वर्क्स के लिए या जितने भी उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड कर रहा है. तो लिसन द नेचर एंड अफ्रेड द फ्यूरी ऑफ हर, कि जो नेचर की जो फ्यूरी उससे वो डरता है. एंड वर्शिप्ड वर्शिप्ड नेचर एज मदर नेचर, क्यों नेचर को यहाँ पे क्या कर रहा है, मदर नेचर मान रहा है. मदर क्यों? क्योंकि ऑल वर्क्स के लिए ऑल एक्टिविटीज नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड कर रहा है, नेचर पर डिपेंड रह के अपने जितने भी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है. तो जब उसकी सभी नीड्स नेचर से डिपेंड होकर कंप्लीट हो रही हैं तो वो नेचर को मदर की तरह मानता है. एंड वी कैन से दैट द स्टेट ऑफ नेसेसिटी, स्टेट ऑफ नेसेसिटी हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी इसमें इस पॉइंट में हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स की जितनी भी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ तभी करता है जब उसको ज़रूरत होती है, कि वो सिर्फ अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता है. अपने टेक्निकल और जो उसका इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है उसके लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूजेस नहीं करता. तो इसमें ये कुछ पॉइंट थे हमारे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के लिए, कि अर्ली टाइम पीरियड में कर रहा था, नेचर को सबसे ज़्यादा इसमें कम्प्लीटली जो ऑल वर्क्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो नेचर के कंट्रोल में रह के कर रहे हैं, वो नेचर को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए वो मदर नेचर भी कहा, वर्शिप करते हैं, डरते हैं नेचर से और उसे इसी कारण वो उसकी पूजा भी कर रहे हैं. तो जितने भी ये हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म. डेटरमिनिज्म नेचुरलाइजेशन ऑफ वुमेन को हम किससे समझ सकते हैं, एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म से. वी स्टार्ट ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर With the passage of time, humans started understanding their environment and which affect their activities. कि जैसे जैसे time बीत रहा था, human beings अपने जो चारों तरफ फैली हुई जो भी environmental जो activities थी या physical environment था उसको समझ रहा था. साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, उसकी जो activities हैं human beings के activities को भी affect कर रहे थे. कैसे, उसको हम कुछ points से समझ सकते हैं. So हमारे इसमें first point आता है state of फ्रीडम, कि जो हमने पढ़ा था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में कि स्टेट ऑफ नेसेसिटी, अब वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी से इस टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो गया स्टेट ऑफ फ्रीडम, कि ह्यूमन बींग फ्री है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए फ्री है, टेक्नोलॉजी को इन्हेंस कर सकता है, कोई भी वर्क उसको नेचुरली जो इन्वायरमेंट है उसके बाउंडेशन में नहीं करना पड़ेगा. एंड द सेकेंड पॉइंट इज कल्चरल डेवलपमेंट, कि हम इसमें देखते हैं कि जब फ्रीडम फील कर रहा है वो कोई भी रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूजेस कर सकता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हम इसमें क्या समझ सकते हैं कि स्टेट ऑफ फ्रीडम कि वो कोई भी वर्क करने के लिए फ्री है, नेचर की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इन्हेंस होगी उसका कल्चर भी उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगा. नेक्स्ट हम जिसमें बात करते हैं बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को फर्स्टली जो हमारा था कि स्टेट ऑफ नेसेसिटी में कि वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बेसिक नीड्स थी उनको फुलफिल करने के लिए ही नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करता है, लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज हाई टेक्निकल डेवलपमेंट,
कि हाई टेक्निकल डेवलपमेंट होता है इस टाइम पीरियड में. हाई टेक्निकल डेवलपमेंट आफ्टर द बर्थ मैन हैज इंटरेक्टिंग विद हिज फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विच हेल्प them to understand the technological development and the technological developed only after the understanding the laws given by the nature. कि हम इसमें क्या समझते हैं कि जैसे जैसे human beings ने nature को समझने की कोशिश की वैसे वैसे उसको technology को भी enhance किया, उसको बढ़ाया. लेकिन हम उसको क्या बता रहे हैं कि technology को enhance किस कब किया, development technology के कब होती है, जब वो साथ ही साथ जो नेचर के जो लॉज हैं उनको भी फॉलो करता है. तो उसमें से हम उसको कैसे समझ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आते हैं इसमें. तो उसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एंड द फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड अस टू डिस्कवरिंग फायर एंड सेकंड विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए and secrets of genetics helped us to and enabled us to conquer many diseases. And the third is with the help of law aerodynamics helped us to develop faster planes. इन एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि हमने अभी बताया था कि जो नेचर को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं. तो ये हम जो देखते हैं वो क्या है, नेचुरल फिनोमिना. कि जब हम फ्रिक्शन और हीट को जो नेचुरल फिनोमिना है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद उसने हमारी हेल्प की किसमें, डिस्कवरिंग फायर में, कि हम उसके बाद ही फायर को डिस्कवर कर पाए. एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ the secrets of DNA and genetics to help us and to enabled us to conquer many diseases. कि हम जो many diseases हैं उन पर हमने विजय प्राप्त कर ली, हम उनको reduce कर सकते हैं कोई भी disease को, किससे, DNA की help से, कि वो हमने nature से understand किया उसको. And the third is the law of aerodynamics. कि aerodynamics होता है कि जो भी हमारे air हैं उसकी मूवमेंट कैसी होगी. तो उसके ला से हमने क्या किया, फास्टर प्लेन्स के डेवलप किया. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि जिनसे हम समझ सकते हैं कि नेचर को अंडरस्टैंड करके ही हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं. एंड द सिचुएशन ऑफ पॉसिबलिज्म एंड द सिचुएशन ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ मैन इज पॉसिबलिज्म. तो फोर्थ पॉइंट में हम इसमें बता सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज बनी कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स वगैरह कि सब कुछ पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी को इन्हेंस कर सकते हैं हम, एवरी कि जो भी वर्क हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे बता सकते हैं सिचुएशन ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ मैन इज पॉसिबलिज्म. कि जो भी हमने सीखा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से वो क्या बताता है हमें, द थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म. कि एवरेज जो भी ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज हैं जो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है कि वो पॉसिबिलिज्म लेके आता है कि एवरी वर्क पॉसिबल है. तो इसलिए हमने यहाँ सीखा पॉसिबिलिज्म. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नियो डिटरमिनिज्म एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. थैंक यू.